महाराष्ट्र में ऐसे बच जाएगी फडणवीस सरकार, भाजपा की रणनीति से शरद पवार भी हैरान। नमस्कार। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी व एनसीपी नेता अजीत पवार गुट की सरकार के भविष्य को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन जिस प्रकार की रणनीति भाजपा ने तैयार की उसका सीधा फायदा फडणवीस सरकार को मिलने वाला है। भाजपा की रणनीति को शरद पवार भी समझ रहे हैं। इस कारण शनिवार को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को कोई बड़ा हमला करने से बचते रहे। अजीत पवार पर केवल इतना कहा कि ये उनका निजी फैसला है, उनके निष्कासन या निलंबन जैसे कोई कार्रवाई नहीं की। एनसीपी की शाम को हुई बैठक में विधायक दल के नेता पद से हटाया गया है, हालांकि इसको लेकर भी कानूनी पेच फंस सकता है। इसी कारण अभी एनसीपी के विधायक दल कोई नया नेता नहीं चुना है। जयंत पटेल को नया नेता चुने जाने तक अंतरिम अधिकार दिए गए। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर अजीत पवार एनसीपी विधायक दल के नेता बने हुए हैं। इस हैसियत से वे पार्टी के सभी 54 विधायकों को सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए व्हिप जारी कर सकते हैं। यही वजह कि दल बदल कानून की तलवार अजीत पवार के साथ वाले विधायकों की बजाय शरद पवार को समर्थन करने वाले विधायकों पर लटकी हुई है। इस पूरे प्रकरण से अगर कोई पक्ष सबसे अधिक परेशान हुआ है तो वह शिवसेना खेमा है। पार्टी का मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी और पार्टी अब विपक्ष में कट्टर विरोधी कांग्रेस के साथ बैठी दिखने लगी है। भाजपा सूत्रों की माने तो दल बदल कानून का रिवर्स फायदा अजीत पवार के पक्ष में जाएगा, क्योंकि वह सरकार के समर्थन में वोट नहीं करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकता है। स्थिति में पार्टी को बचाने के लिए शरद पवार को 2/3 यानी 36 विधायकों को साथ लाना होगा। वहीं अगर अजीत पवार के साथ 19 विधायक आ जाते तो कानूनी रूप से उनका दावा वैध हो जाएगा। संविधान विशेषज्ञ व सीनियर वकीलों का कहना है कि एनसीपी के विधायक दल के नेता अजीत पवार को समर्थन पत्र दिया था, एक तरह से ये पवार ऑफ अटर्नी थी। पत्र में खाली स्थान पर सीएम का नाम भरा जाना था। अजीत पवार ने उसी शक्ति का प्रयोग कर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस सरकार को हटाने में मुश्किल होगी।